बिना पियाज रसुण रे कम तेल मसला रे तयारी करबा बंधाकोबीर गोटे टेस्टी तरकारी ता पई तयारी करबी गोटे स्पेशल मसला जहा तरकारी रा टेस्ट को आहुरी बढे दबो। गरम गरम अरुआ भात संगे एमती बंधाकोबीर जदि तरकारी टिके मिलि जिवो देखिबे खाइबार मजा आहुरी बढि जिवो। जदि आपण मानको भिडियोटी भल लागिवो भिडियोटी को लाइक कर देबे अन्य मानक सहित शेयर करिया को भूलिबे नै। आबे चालंतु भिडियोटी स्टार्ट करबा। तरकारी तयारी करिया पई मुठी आधा कप पाखापाखि बुट डाली नेछि। बुट डाली को गोटे घंटा हैला भिजे कि रखि देथिली। एटा कोइना प्रेशर कुकर रे नै जिबी सेथरे पानी भी ऐड कर नबा टिके हळदी पकै नउछि स्वाद हिसाब रे लूणा पकै नबा। गरम मसला रे गोटे डालचीनी आ गोटे गुजराती पकै नउछि जाफळे फ्लेवर बढ़िया भाव आसिबो खाइबा को बहुत बढ़िया लागिबो। एटा को कवर कर दी किना हाई फ्लेम रे दुईटा सीटी आसिया पे छाड़ी दबा। बुटो डाली को बेसी नरम करके सीझेबेनी टिके टाण टाण रहिबो। ता भितरे चलंतु बंधाकोबी को मु काटि नउछि। बंधाकोबी को मु एंती चूना चूना करके काटि नेबी। एठी फाळे पाखा पाखी मु बंधाकोबी नेइछि। एठी ए मझी अंश को बाहर कर देबे सबळे आ चूना चूना करके काटि नेबे। बंधाकोबी को काटला परे गोटे जगह रे आकु नेइ जिबी आ भल भाव रे धोई नेबी। आकु धोई देला परे मु गोटे जगह रे रखि दउची। मसला तयार करिया पई गोटे टमाटर गोटे इंच रे अदा आ गोटे कंचा लंका नेइची। सब जाक को नेइ जिबा गोटे ब्लेंडर रे टिके पानी ऐड करके आकु भल भाव रे ब्लेंड करनबा। गोटे मसला तयारी करी से गोटे बड़ गुजराती गोटे छोट गुजराती स्टार फूल गोलमरीच लवंग दीटा डालचीनी तेजपत्र और सुखिला लंका। गोटे सुखिला कड़ाई रे टिके आकु हल्का भाजी नौची जहाँफल एथेरे जो मॉइस्चर थी चली जीव आते ग्राइंडर करके पाउडर करेंगे से बढ़िया भाव में पाउडर हो हल्का टिके भाजी नौ गोटे रु दुई मिनिट बेसी भाजबे गोटे रु दुई मिनिट पाई भाजवा आपको काढ़ीदे गोटे जगह को आउ थंडा हाँपी रखिदे थंडा है आमें भल भाव ग्राइंड करके यार पाउडर तैयारी करनाबा। देखु थंडा हो जाको पाउडर कर गोटे जगह काढ़ी ने देखु ता भितर बुट डाली में दुईटा सीटी देदी। बुट डाली को आपड़ मन रखिए बेसी सीझेबे टिके गोटे रुआ रही सीझि नखु गोटे रुआ अच्छी यहाँ आम जिते तरकारी कषा से सीझिजी जदि बेसी सीझेदेवे तो तरकारी पूरा घाटी आपणकर हिसाब से आपड़ सीटी दिं कारण बेसी समय जब डाली को सीझेबे बेसी समय सीटी देवा दरकार नहीं हिसाब से आपड़ प्रेसर में सीटी देते। बंधाकोबी को भी प्रेसर में नहीं गली से टिके पानी पके देबी स्वाद हिसाब से टिके लुण पकेबा बेसी लुण पकेबानी एटा को हाई फ्लेम रे गोटे सीटी आसिबा पई छाड़ी दबा। देखंतु बंधाकोबी टा को गोटे सीटी हेला परे मु काढ़ी दे चिमती छणा रे आ पानी गुरा को सब बाहर कर नै छी। कड़े रे एना छोट दुई चमच पाखा पाखी तेल पकेबी गोटे चमच जीरा पकेबा गोटे सुखिला लंका तेजपत्र एना जीराटा को भल भाव फुटवा को दबा। ये बेसी तेल मुझे देखूँ गोटे रु दुई चामच नहीं चाहिए गोटे चामच तेल रे भी आपने जो मसला को ब्लेंड करके रखी थी से पकई नौ देखूँ मसलार के तेणु धीरे धीरे पाटा ड्राए हो मसलाटा सुखीज से पर्यटन आपको आम कुक करवा। देखु मसलाटा धीरे धीरे ड्राए हो गला पा एथु सब मरी जाइए और उपरे तेल छाड़ा स्टार्ट होती टिके हलदी गुंड पकई नौ स्वाद हिसाब से लुण पकई नवा। सब जिनस को भल भाव मुझे मिक्स कर नौ एके पा आड करनी अल्प टिके पा आड करी पानी ऐड कला परे एथरे पकाई देबी से जो मसला गुंड करके रखी थी से मसला गुंड रु गोटे चामच मसला गुंड पकई नबा ताको भल भाव मिक्स कर दबा। एथरे गोटे बड़ साइज़र आलू को मेंती काटिक रखी ताकू भी पकई नेबी पकेला परे आकु भल भाव मसला रे मिक्स करके आलूटा को सीझिबा को छाड़ीबा कारण प्रथम आलूटा टाण अच्छी तेणु आग पकई नेली जमती आलूटा अधा सीझिजी एथरे टिके पानी मो ऐड कर नौ जेतिकी पानी ऐड करिवे ता भितर जेमती आलूटा अधा कुक हो
ଯଦି ପାଣିଟା ମରିଯିବ ତାହେଲେ ପଛରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଚେକ୍ କରିନେଇଛି ଆଳୁଟା ଅଧା ସିଝିଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଅଲଗା ପରିବା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଏଥିରେ କଖାରୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ବି ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି। କଖାରୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ସିଝିବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ପଛରେ ଆଡ଼୍ କଲି। ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ବି ସିଝାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ବି ପକାଇ ନେଉଛି। ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ମସଲାରେ। ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଯେଉଁ ସିଝାଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଥିରେ ପାଣି ସହିତ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପାଣି କାଢ଼ିବେନି। ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ବୁଟ ଡାଲିରେ ସେହି ପାଣି ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ କଭର୍ କରିଦେବି। କଭର୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବୁଟ ଡାଲି ଯେମିତି ଅଧା ସିଝିଥିଲା ଏଥିରେ ବି ପୁରା ସିଝିଯିବ, ଆଉ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ବି ତା ଭିତରେ ସିଝିଯିବ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଏଣା ଚେକ୍ କରିନେଉଛି, ପାଖାପାଖି 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। କଖାରୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ବି ଚେକ୍ କରିନେଉଛି, ସବୁ ସିଝିଯାଇଛି। ଆଳୁ ବି ତା ଭିତରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଯେଉଁଟା ଅଧା ସିଝିଥିଲା ତା ଭିତରେ ବି ସେଇଟା କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କଷା କଷା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ରଖିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଝୋଳ ଝୋଳ ରଖିବି, ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଅରୁଆ ଭତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପାଣି ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଏଣାଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେଥିରେ କିଛି ପକାଇଦେଲି ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇନେବା, ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇନେବା। ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ଆର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏଇଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। 1 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୁଆ ଘିଅ ବି ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଗୁଆ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରି ଆର ଫ୍ଲେଭର ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସର୍ଭ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।